सती मैया की काया अधजली पड़ी थी हवन कुंड के पास, तो भोलेनाथ ने आज वो जली हुई काया को अपने हाथों में उठा लिया और सती की काया को देख देख करके भोलेनाथ रोने लगे। अब लेकर के चल दिए, न तो रुके, न पानी पिए, न भोजन खामे, न बैठे, हर समय बाई जली हुई काया देखत रहे और भाजत रहे। सब देवता बोले कि भैया जिकाब हो, भोलेनाथ की हालत तो देखी ना जाते। तो सब देवताओं ने जाकर के कहा विष्णु भगवान से कि प्रभु इस तरह से शिवजी की हालत रहेगी तो संसार में प्रलय भी हो सकती है, क्योंकि वो महाकाल हैं। विष्णु भगवान ने की चिंता मत करो, जब तक ये जली भई काया उनके हाथों पर रही तब तक ये हालत रही, और आज भी देख लेना तो मुर्दा जब तक सामने घर में रहता है तब तक कितना दर्द होता है, और वो ही मुर्दा जब मरघट में जाके जल जाता है तो आधा रह जाता है बिल्कुल। तो आज विष्णु भगवान विचार करने का चिंता मत करो, अब ऐसे नहीं मोह भंग होगा। तो उन्होंने चक्र सुदर्शन उठाया है विष्णु भगवान ने, ये शिव पुराण की कथा है, बच्चों ने मोबाइल पे भी देखी होगी, मोबाइल पे मैंने स्वयं देखी है कि जब शिवजी हाथों पर लेकर सती की जली हुई काया को भाग रहे हैं तो इधर विष्णु भगवान का चक्कर चल रहा है और उससे शिवजी को पता भी नहीं चला, शिवजी को पता तक नहीं चला, और वो चक्कर काम क्या करता रहा। अरे सागर में जब खड़े भए और चक्कर दहो चलाई रे, चल के जब देवताओं में दानवों में युद्ध हुआ
तो ताड़कासुर नाम का एक दैत्य था राक्षस। तो ताड़कासुर युद्ध करता था तो देवता हार जाते थे और ताड़कासुर जीत जाता था, वो पापी विजय करता था। तो समस्त देवताओं ने विचार किया कि ताड़कासुर मरेगा कैसे, किस तरह मरेगा। भगवान ने कह दिया कि ताड़कासुर को शिवजी का अंश मारेगा, शिवजी का अंश। देवता बोले महाराज शिवजी का अंश और शिवजी की घरवाई तो जर गई। भगवान ने की तो उनको ब्याह करवाओ, शादी करवाओ। तो फिर प्रभु शादी करवा में तो वो लड़की किन की है। भगवान बोले वो लड़की अभी पैदा ना हुई। देवता बोले वायदा कितना छोटो तो है, अभी तो वो लड़की है ना पैदा भाई। तो जाओ देवताओं स्तुति करो, मैना के यहां हेमंचल महाराज के घर मैना के उधर से जो कन्या पैदा होगी उसी से शिवजी का विवाह होगा। देवताओं ने भजन किया है, समस्त देवताओं ने भजन किया है। तो सब प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें। हेलो।